असल ओपन माइक कैफ़े में वेलकम बैक मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा नाजीन मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के लिए कौमी असम्बली में करारदा पेश कर दी है अब इससे उनको क्या फायदा होगा उस पर क्या असरात होंगे इस पर बात करेंगे आज के शो में हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट हमारे रिसर्चर और डमी म्यूजियम से आए कुछ गैस को रूबा जी ठीक हो मैं बिल्कुल ठीक चाचा जी आज आप बड़े दिन बाद आए हमारे बिजनेस बहुत बद गया फिर उ रहे मैं चलो चले ही जाना अपना शो है की हाल आप साहब साहब ठीक हो आपकी भतीजी कैसी है वो तो बस पढ़ रही है यही तो मैं पूछना की हो गया यही वजह है कि आपका वीजा नहीं लग रहा और आप जा नहीं पा रहेगा इंशाल्लाह। दो हजार इक्कीस में बाहर आएगा। अच्छा ये पिछले बारह साल से लगा हुआ है <laughs> वीजा वीजा हालांकि बारह साल में तो रूढ़ी की सुनी जाती है कैसे सुनी गई जिन्हें स्पॉन्सर करना वीजा जिन्हें करना है ये गाघे घी का हाँ, इस्तेमाल बहुत करना है मेहनत करो की हो गया चीज नहीं चारे मौसम पांच मौसम है, पांच। को नवा ही निकले है। <laughs> आ, मौसम भी है लो जह लो तुमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया मेरी दुआ है कि तुम फॉरन कहीं चले जाओ मेरी तरफ से चाहे इसराइल चले जाओ ऐसे नलायक बंदे जाने ही चाहिए इतने अच्छे अच्छे ब्रिलियंट लोग हमसे छीन के ले गया वैस

<laughs> आपका नाम तो पता नहीं क्या शबाहत कुरम शबाहत नाम कुरम शबाहत।, शबाहत उसका नाम सीधा जमील पायन पायन मैं ना क्या जमील मेरा नाम दे, देखिये जमील पायन बात ये है जमील पायन ने तानो क्या चाचा जी मैं पायन अच्छा जी आपका क्या हाल है जी मैं ठीक हूँ आप सुनाए आप करती क्या हैं क्यों जी पहला सवाल है आप करती क्या है तो सही तरह है बताएं आप करती क्या है <laughs> डॉक्टर oh <laughs> 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 रूबा तो हमने बात करनी थी ओवरसीज पाकिस्तानी exactly. इनको आपने कहां से, से, तो रहे से रहे पता है। क्यों बुलाया उसने कि इसका वीजा नहीं लग रहा है ये वोट से क्या नेक्स्ट इलेक्शंस में पीटीआई को कोई फायदा होगा बिल्कुल होगा क्योंकि जो ओवरसीज है स्पेशली सेकंड जनरेशन जो है जो बाहर के मुल्कों में है वो ज्यादातर प्रो पीटीआई है प्रो तो, पीटी तो वो जरूर उसका असर होगा नॉर्थ अमेरिका यूरोप दूसरा मिडिल ईस्ट में तो मिडिल ईस्ट में कोई इतना प्रो पीटीआई नहीं है तबका लेकिन पठान है। हाँ पठान अलबत्ता बहुत ज्यादा मेजोरिटी है

जाती बस चलाई मेहनत करते रहे करते रहे करते करते आज हमारे दो स्टोर्स हैं मेरी वाइफ और जी चलना तुम तो वैसे भी नाटे से हो तुम तो दो दिन लगाओगे एक स्टोर का पूरा चक्कर लगा देखो बच्चे बात ये कि मैं आपको मशवरा यही दूंगा मशवरा जो भी देना ना अंकल जल्दी जल्दी देना आप पहले कहना

में है। के आहला है। जब वो खुद अपनी औलाद को बाहर सेटल करते हैं खुद रिटायर होने के बाद बाहर जाकर आला नौकरियां हासिल करते हैं तो इससे यहाँ का एक जरा सा भी समझ बूझ रखने वाला नौजवान वो ये देखता है कि इस मुल्क का मुस्तबल नहीं है जहाँ प्राइम मिनिस्टर के बेटे बाहर कारोबार कर रहे हो वजी खजाना के बेटे बाहर अपने आपको सेटल अशराफिया अपने बच्चों को बाहर भेज दे मैं समझता हूँ खस कम जहां पाक ब्रेन ड्रेन ये नहीं है ब्रेन ड्रेन ये है कि आपके बेहतरीन डॉक्टर्स आपके बेहतरीन इंजीनियर्स आपके बेहतरीन राइटर्स थिंकर्स एनिमेटर्स सर तो यही मैं आपसे ज्यादा कोशिश थिंकर इनके सामने सर नज़ीर क्या बनती है नहीं नहीं, नहीं वो आ? नजीर की वजह से नहीं है वो अपॉर्चुनिटी की वजह से पर आपके पास मौके नहीं होंगे तो फिर आप यही सोचेंगे मैं बाहर ही चला जाऊँ वहां पर जो है मेरी जो मेहनत है जो मेरी सलाहियत है उसका मुझे सही मुआवजा मिला मैं पहले सख्त खिलाफ होता ये था ये भी एक वजह मेरे कई अजीज़ों और कारिफ जो बाहर चले गए मैं कहता था यार क्या पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत थी और तुम क्या शानदार चीज़ बटर ब्रेड और बेहतरीन फूड अच्छी आबो हवा खूबसूरत गाड़ी इसके लालच में चले गए पाकिस्तान को इतनी जरूरत लेकिन ये सारी देवमालाई बातें थी उन्होंने जो किया ठीक किया इस मुल्क में इस माशरे में शायद पहले मैं इतना बिटर नहीं होता था क्योंकि मैंने माशरे को इतने करीब से देखा नहीं था इतना रूथलेस है इतना मीन माशरा यही तो वजह है इसके साथ जो हो रही है आखिर क्या वजह है? इस माशरे ने ऐसा क्या बिगाड़ रखा है तकदीर का इसका मामला ठीक ही नहीं हो रहा इसने अल्लाह को नाराज कर रखा है ये माशरा इस काबिल नहीं है ये तो को पागल लोग हैं जो हम जैसे जो रह रहे हैं पता नहीं क्यों रह रहे ये इशू उन लोगों का है जिनको यहां के अलावा कहीं और सांस नहीं प्रॉपर आती अब मुझे को तो नहीं आती यही मैंने सवाल आपसे पूछा था कि आप अमेरिका छोड़कर यहाँ क्यों आ गए इसलिए कि मैं पाकिस्तान के बगैर रह ही नहीं सकता था और मैं जब, जब वापस था। आया था यह मैं अपना को कसीदा बयान नहीं करना चाह रहा जब मैं वापस आया था एक लामुतना ही स्ट्रगल थी बिल्कुल पहली जॉब मैंने इनके यहाँ की दो तीन साल बाद मैंने फिर अपना बिजनेस शुरू कर दिया लेकिन वो अपना बिजनेस एक स्ट्रगल थी स्ट्रगल थी क्योंकि हमारे खानदान में बिजनेस की कोई प्रेसिडेंस नहीं थी कोई मिसाल ही नहीं थी बिजनेस मुझे ना पहले करना आता था ना आप करना आया तो करते 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 वो फिर राइटर था मेरे अंदर मैं एट बेस्ट क्या लिखता अफसाने लिखता नॉवल्स लिखता कॉलम लिखता इस पे बड़ी पजीराई मिल सकती है और कुछ नहीं मिलता yes. ना आपको पैसे मिलते हैं मुनासिब हालांकि राइटर्स दुनिया के मोस्ट हाईली पेड लोगों में से एक है hmm. लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता यही वजह कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री का बुरा हाल करवा लिया आपने hmm. वो जगह ड्रामे ने ले ली ड्रामे अब भी अच्छे राइटर्स हाँ। अच्छा पे होते हैं लेकिन उस वक्त तक जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक चैनल था और टकेटकरी स्क्रिप्ट होते थे तो स्ट्रगल का एक तवील अरसा मैंने यही गुजारा अमरीका पलट होने के बावजूद तो इसका मतलब ये था कि आइदर समथिंग वॉज रॉन्ग विद माई हेड और विद माई ब्रीदिंग सिस्टम कि मुझे सांस बाकी पाकिस्तान के अलावा और कहीं आती नहीं और मुझे इश्क पाकिस्तान की सरजमीन से है अपने अवाम से तो बहुत ज़्यादा नहीं है तीन किस्म के ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं एक इमिग्रेशन की आपकी जो लहर थी जब मंगला बना और तरबेला बना तो बहुत से लोग जो उस इलाके के थे मीरपुर के इलाके तो। के, के थे वो गए बाहर ज़्यादातर उनमें से यूके गए और मैनचेस्टर ब्रैडफोर्ड लंदन में भी हाँ। ब्रैडफोर्ड को तो मिनी मीट मिलता नहीं होता था यही वहाँ सेटल हुए फिर आपके प्रोफेशनल्स जो पढ़ने गए बाहर ये सत्तर की दिहाई में काफ़ी लोग जाना शुरू हुए वहाँ पर पढ़ने क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है अमेरिका की स्पेशली उससे पहले वो एक्सेप्ट नहीं करते थे आसानी नहीं थी सेवेंटीज़ के बाद आसानी होनी शुरू हो गई वहाँ जाना शुरू हो गए वहाँ से पढ़ के वो वहीं पर फिर जो है वो सेटल होना शुरू हो गए क्योंकि वो क्वालिफाइड थे और वहां पर उनको इनक्रेज किया गया कि वो वहीं रहे वापस है। ना आए तीसरी आपकी जो लेबर है जो फिर सत्तर की दिहाई में साहब भुट्टो साहब ने जो है मिडल ईस्ट में जाके उनको कन्विंस किया कि जी आप हमारी लेबर लें ये बहुत मेहनती लोग हैं अब उनको राइट कि जी वो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है ठीक है ना उस पे असरअंदाज हो सके राइट ऑफ वोट उनको मिलना चाहिए था बिल्कुल और सर इससे पहले कभी नहीं हुआ ये पहले भी बात होती रही है 1970 में भी हुई उन्नीस में ठीक है ना यासमीन खान खातून हैं जिन्होंने पटिशन की थी इनिशिएट किया था इनिशिएट किया था उन्होंने पिटिशन की थी कि जी मुझे राइट ऑफ वोट मिलना चाहिए ठीक है ना मैं पाकिस्तानी हूँ मेरा राइट ऑफ वोट क्यों नहीं है ठीक है ना तो ये सारी और इस पर काफ़ी देर से बातचीत हो रही थी

तो इस जमन में आपको एक अमाउंट दे दी जाएगी एरियाज आइडेंटिफाई कर दिए जाएंगे नॉर्थ अमेरिका उसकी पोलिंग जो है बड़े आराम से आप न्यूयॉर्क में करवाएं इसी तरह कनाडा में भी आप एक एम्बसी अपनी या टोरंटो में वैनकूवर में देख लेना जहां पर आपका ज़्यादा देखें नॉर्थ अमेरिका और यूके और कुछ यूरोपियन जो मुल्क हैं जहां पर पाकिस्तानी हैं वहां तो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं वहां पर आपको सपोर्ट भी मिलेगी अमेरिका में परेड्स होती हैं कम्युनिटी के परेड्स होती हैं उनको सपोर्ट मिलती है सिटी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है तो अगर आप चाहेंगे कि आप पोलिंग स्टेशन बनाएँ वो तो पोलिंग स्टेशन बन जाएंगे स्कूलों में बन जाएंगे डिफरेंट इमारतों में उनके बन जाएंगे वो सब कुछ हो जाएगा असल चीज़ य है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते मेरी अपनी जो है राय ये है कि उनका बिल्कुल हक बनता है उनका हक है सेम वोट डालें आधे से ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो मिडल ईस्ट में है और वो सारे के सारे पाकिस्तानी सिटीजन है उनके पास ड्यूल नेशनलिटीज नहीं है उनका तो फीसद हक हाँ बनता है कि उनको वो राइट दिया जाए और उनके लिए आसानी पैदा की जाए मौत पड़ेगी एम्बसीज को जो बेचारी कोविड नाइनटीन में नहीं सपोर्ट दे सकी जो आईडी कार्ड के मामले में पासपोर्ट के मामले में बेसिक इश्यूज के मामले में घंटों घंटों बाहर बिठाते हैं लाइनें लगवाते हैं टोकन फरोशी करते हैं ये है असल उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो ये करेंगे मेरा इस बारे में जो रिजर्वेशन है छोटा सा वो ये है कि वोट का राइट क्या तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी देना चाहिए मतलब इसमें कैटेगरी है एक है ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तानी नेशनल एक वो है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं बट फॉरेन नेशनल आउट दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानीज With dual dual अब ये डुअल नेशनैलिटी वाले जो है ना इस बारे में मैं कुछ थोड़ा सा मशकूक हूँ क्यों डूल नेशनलिटी वाला जो है वो कोई पब्लिक ऑफिस में तो नहीं आ रहा ना उसको इलेक्शन शायद लड़ने का हक ना हो ये सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे अब मेरी इस आर्ग्यूमेंट को नलीफाई करता है ये फैक्ट कि नॉर्थ अमेरिका में अगर आपके पास डूअल नेशनलिटी है तो कैनेडा अमेरिका आपको वोट का हक देता है इसी तरह इंग्लैंड भी देता है तो फिर आपका ये एतराज कमजोर पड़ जाता है कि जी जी फिर आपको भी देने में कोई हरे प्रॉब्लम सिर्फ ये कि हमारे यहां है नहीं ना वो यहां नहीं रह रहे इंग्लैंड इसलिए अलाउ करता है कि यहां रहकर खिदमत कर रहे हैं हमारी तो अगर देखा जाए तो वहां रहकर वो आपकी आप। ज्यादा खिदमत कर रहे हैं दे आर सेंडिंग यू ग्रीन करेंसी वेरी मेजर रोल अब अगस्त में इस साल जो है कितना इजाफा हुआ है चौबीस फीसद इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में तो इसलिए इसको गुफ्तगु का हिस्सा बनाए डायलॉग मेरा हमेशा नज़रिया एक ही रहा है कि डायलॉग होना चाहिए आपको याद है ना आबादी के कंट्रोल पर हमने फैमिली प्लानिंग पे गुफ्तु शुरू की और डायलॉग का आगाज किया एक इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगु शुरू होगी तीन चार दोस्त मेरे पास आकर ये गुफ्तगु कर गए और आई विश के ये मैं टेलीवाइज करता और ये भी मुझे याद है ये जिम्मेदारी आपकी है कि हमने उस सिलसिले की दूसरी कड़ी वो भी अंक्रीब करनी है जैसे हम कल एक अहम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं organ donation, उसके अंदर भी चंद मुश्किल मकाम आते हैं। नहीं बहुत आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। जी वो असली गल की वोट देना चाहिए था नहीं। इम्कान यही है चाचा जी के उन्हें ये हक मिल जाना है देना चाहिए लेकिन पहले गुफ्तगु हो पहले बहस हो सकता है कोई बारीक नुकते मुखालिफ की तरफ से असल में जो नुकता आएगा तरीका क्या होगा वोट कैसे डाला जाएगा कुछ ही मील दूर किसी रियासत में रह रहे हैं जी जी वो सर कैसे आए पोस्टल बैलेट एक चीज का नाम है चिड़िया एक पोस्टल बैलेट जी जी वो न्यूयॉर्क भेजे वाशिंगटन डीसी भेजे वहां से बैग पहुंचेगा वहां से काउंटिंग होगी आप यकीन कीजिए पोस्टल सिस्टम उनका इतना शानदार है ये हमारे सिस्टम की तरह तो नहीं ना वैसे तो अब हमारा भी बड़ा डेवलप हो रहा है सुनते हैं लेकिन पोस्टल बैलेट लोगों ने जिस एंथ्यूजियाज्म का इजहार करना है वो दीद नहीं होगा पूरा ब्रिटन देखिए नॉर्थ अमेरिका देखिए वो बेहतरीन हो सकता है इसी तरह आप किसी डिजिटल के चक्कर में पड़े ही ना आपके ज्यादातर आप इंटरनेट के चक्कर में ना पड़े ना वो, वो ना, नहीं ना नहीं हो सकता ओ हो आपका सारा सिस्टम हैक हो सकता है वो नहीं इस पर आप एतबार नहीं ना कर सकते फुली वो ना करें अगर मुझसे को पूछे और हम माइक्रोकॉज किसको बनाते हैं इंग्लैंड को इंग्लैंड है ओके स्टार्ट विद यूके के लंडन ब्रेडफर्ड ग्लास्गो मानचेस्टर बर्मिंगम बर्मिंगम कार्डिफ कार्डिफ ऑल्सो यहां पर आप छोटे छोटे आपका दो बंदों पर मुश्तमिल यहाँ पर कोई नहीं आएगा बैलेट छीनने आपसे यहाँ पर कोई नहीं आएगा नई संदुकिया भरने और उसमें वोट ठोंसने जो हमारे यहाँ होता है रॉकेट साइंस नहीं, नहीं, नहीं रिक्वायर्ड सिर्फ नेक नियति के साथ करें और कतई तौर पर आपको धांधली की शिकायत नहीं आएगी यहाँ पर तो मुसीबत यह है फॉर्म पंद्रह फॉर्म सोलह फॉर्म सैंतालीस फॉर्म अठतालीस तब भी हर इलेक्शन में शोर शराबा होता है कि ये प्रॉब्लम हुआ है धांधली हुई है इरेगुलरिटी हुई है और आप सीखेंगे तो वो सारी चीजें बर्मिंगम में होने वाली पोलिंग से लाहौर सीखेगा और कहानी बन जाएगी फ्रॉम बर्मिंगम टू बुरे वाला, बुरे वाला। बौला। 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 क्या अच्छा बोलते हैं आप और कितना स्लो बोलते हैं आराम गल करी मेरे बंदे कमजोर दिल का बंदा है अच्छा क्या है दिल का प्रॉब्लम क्या है इनका दिल का मरीज है अच्छा तो हार्ट अटैक हुआ था अजी दो दफा बाईपास हो चुका है तीसरी दफा भी करवा मर पर जाके उसकी जान छाड़ <laughs> बहुत ही बदतमीज आदमी है तू मेरा बंदा होना तो तू बड़ा तेज होना चाहिए थे आए नु लेके आनी पड़नी मैं एक और बात आपसे करना चाहत हूं क्या साहब ਖੁਰਮ ਸ਼ਬਾਦ ਸਰ ਅੱਛਾ ਖੁਰਮ ਸ਼ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੁਰਮ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਲੋ ਬੋਲਦਾ 40 ਸਾਲ ਕਿਦਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੋ ਸਟੋਰ ਕਿਦਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 10 12 ਸਟੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਸੇ

लाहौर में जी फिर <laughs> आज के शो का वक्त हुआ इनशाला आपसे मुलाकात होगी कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़